जब हमारे शरीर में कहीं चोट लग जाती है तो रक्त बहने लगता है। इसी तरह जब हम टेस्ट के लिए सैंपल देते हैं तो टेक्नीशियन सिरिंज में रक्त को संग्रह करता है। ब्लड की विशेषता होती है कि यह लाल रंग का होता है और इसका मुख्य भाग कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसमें RBC, WBC और प्लेटलेट्स होती है, और तरल भाग प्लाज्मा होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा और कोशिकाओं का सम्मिलित रूप ब्लड कहलाता है। यदि रक्त में से कोशिकाओं का भाग निकाल दिया जाता है तो शेष बचे हुए भाग को प्लाज्मा कहा जाता है। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ होता है और रंग में यह हल्का पीला होता है। यह संपूर्ण रक्त का 50 से 55% भाग होता है। शरीर से बाहर ब्लड से प्लाज्मा प्राप्त करने के लिए ब्लड में किसी एंटीकोगुलेंट जैसे EDTA, सोडियम साइट्रेट आदि मिलाने की आवश्यकता होती है। इसमें हमें प्लाज्मा प्राप्त हो जाता है। प्लाज्मा में अधिकतर क्लॉटिंग फैक्टर उपस्थित होते हैं। ब्लड को कलेक्ट करने के बाद यदि किसी पात्र जैसे टेस्ट ट्यूब में रख दिया जाता है तो रक्त कुछ समय बाद अपने आप जम जाता है और कोशिकाएं एक गुच्छे के रूप में इकट्ठी हो जाती है और शेष तरल भाग को सीरम कहा जाता है। प्लाज्मा की तरह सीरम को प्राप्त करने के लिए किसी एंटीकोगुलेंट को मिलाने की आवश्यकता नहीं होती है। अधिकतर बायोकेमिस्ट्री टेस्ट, हार्मोन जांच आदि सीरम से ही किए जाते हैं। यह भी हल्के पीले रंग का होता है किंतु प्लाज्मा के मुकाबले अधिक क्लियर होता है। थैंक यू।